एंड वेलकम टू माय चैनल एनाज वर्ल्ड। हाय, आई एम एना एंड आज हम विजिट कर रहे हैं हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम दैट्स लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इंडिया। अगर आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं तो उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है JLN और जोरबाग। जोरबाग से आपको 7 to 10 minutes लगते हैं अगर आप ऑटो करते हैं, ऑटो से जाते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ से उतर कर आपको थोड़ा पैदल चलना होता है। आपका यहाँ टिकट काउंटर, संडे का दिन था, काफ़ी क्राउड था यहाँ। टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेना है। देन यहाँ से हमारी एंट्री, हुमायूं टॉम की जो एंट्री है मेन एंट्रेंस वेस्ट की तरफ से होती है। जैसे ही हम एंटर करेंगे हुमायूं टॉम के लिए, यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे हमें इसके रास्ते तक। इनमें से एक है ईसा खान न्यासी टॉम। सो हम यहाँ पहले चलते हैं। ईसा खान नियाज़ी शेरशाह सूरी के दरबार में अफगान नोबल थे जिन्होंने मुगल के खिलाफ लड़ाई की थी। यहाँ इनका मकबरा और एक मस्जिद है। ये दोनों ही इनके जीवन काल में बनाए गए हैं, इन हिज ओन लाइफ टाइम। ये हुमायूं के मकबरे से 20 साल पुराना है। इसे छतरियों, चमकदार टाइलों, जालीदार जालियों से सजाया गया है जो हम देखेंगे। ये टॉम ऑक्टागोनल शेप में है, ऑक्टागोनल गार्डन के बीच में। इट्स कंस्ट्रक्टेड इन 1547। देन लेटर सर्व एज अ ब्यूरियल प्लेस फॉर द इंटायर फैमिली ऑफ ईसा खान। ईसा खान की पूरी फैमिली की ये ब्यूरियल प्लेस बाद में सर्व कर दिया गया। On the western side of the tomb lies a three-bay wide mosque in red sandstone. Tomb के west side में मस्जिद है जिसमें red sandstone का use हुआ है। मस्जिद में जाने से पहले please take off your shoes.
जैसे ही हम एंटर करते हैं तो विजिटर्स सबसे पहले देखेंगे गार्डन कॉम्प्लेक्स, जिसे वो हलीमास गार्डन के नाम से जाना जाता है। देन यहाँ है अरब सराय का गेट। ये 14 मीटर ऊंचा गेटवे है, हुमायूं के मकबरा बनाने आए पर्शियन क्राफ्ट्समैन के लिए बनवाया गया था। ये हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, जो हुमायूं के टोंग के कंस्ट्रक्शंस के लिए कारीगर आए थे उनके लिए बनवाया गया था। हम आगे बढ़ते हैं हुमायूं टॉम की तरफ। से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं। ये स्ट्रक्चर है हुमायूं टॉम का। ये 30 एकर्स के गार्डन के बीचों बीच में ये टॉम है। इसमें कम से कम 32 मिनिएचर्स गार्डन है। पूरा स्ट्रक्चर है पूरा हुमायूं टॉम का। राइट साइड में यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान मिले गए थे। एंड फाइनली हम देखते हैं हुमायूं टॉम। इट इज़ द टॉम ऑफ द मुगल एम्परर हुमायूं इन दिल्ली। हुमायूं की डेथ 1556 में हुई थी। उनके 9 ईयर्स डेथ के बाद ये टॉम उनकी फर्स्ट वाइफ हमीदा बानो बेगम ने बनवाया। एंड इसका कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुआ था वो 1565 में हुआ एंड कम्प्लीट 1572 में हुआ। इट इज़ डिज़ाइन बाय मिराग मिर्ज़ा घिया एंड हिज सन सैयद मोहम्मद, जो कि पर्शियन आर्किटेक्ट थे, चोजन बाय हमीदा बानो बेगम। इस टॉम की हाइट 154 फीट है एंड इसके विथ 299 फीट है। इसमें टोटल 124 स्मॉल चैम्बर्स हैं। ये एक पहला स्ट्रक्चर है जिसमें रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है। ताजमहल को इसी से इंस्पायर होकर बनवाया गया है। ताजमहल में चार मीनार हैं, इसमें चार मीनार नहीं है। ये रेड सैंडस्टोन का इसमें यूज हुआ है, इसमें व्हाइट मार्बल का यूज हुआ है। हुमायूं टॉम पुराना किला के नज़दीक है। पुराना किला जो हुमायूं ने फॉर्म किया था इन 1533 में, और इसके सामने निज़ामुद्दीन दरगाह भी है। Thank you.
500 से ज्यादा कब्रें हैं, जिसके वजह से इसका नाम मुगलों का शाहनगर पड़ा। छत पर छोटी छतरियां चमकदार नीली टाइलों से ढकी हुई हैं। एंड दिस टॉम्ब वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1993। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड आगे की वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।